नमस्कार, मैं हूं योगेश कुमार और स्वागत है आपका NBT ऑनलाइन में। गुरुग्राम के सूरत नगर फेस टू इलाके में तब दहशत का माहौल बन गया जब पता चला कि एक घर के अंदर सांप घुस गया है। जी हां, एक घर के अंदर जिसमें बच्चे और पूरा परिवार रहता है, वहां बेड के अंदर एक नहीं बल्कि दो सांप बैठे हुए थे। जैसे परिवार वालों ने कुछ सामान रखने के लिए बेड का ढक्कन खोला तो अचानक से सांप ने उनके ऊपर वार कर दिया। गनीमत ये रही कि वो बच गए थे और इस वक्त हम उस घर के अंदर हैं जहां पर वो सांप निकला और ये वो बेड है जिस पर बच्चे बैठे हुए थे। और जब इन महिला ने वो बेड का ढक्कन खोला अपने रजाई गद्दे निकालने के लिए तो अचानक से वो सांप खड़ा हो गया, लेकिन जैसे गद्दा हटाया तो पता चला कि उस बेड के अंदर एक नहीं बल्कि दो दो सांप हैं। और हैरानी की बात ये रही कि जब वो सांप उस बेड के अंदर थे तो बच्चे काफ़ी दिनों से उस बेड के ऊपर ही खेल रहे हैं और उसी बेड के ऊपर सोते हैं। काफ़ी दिनों से वो सांप, जो इनका अंदाज़ा ये है कि लगभग एक हफ्ते से वो सांप इस बेड के अंदर ही था। कारण ये है कि इस बेड के अंदर जो सामान रखने का जगह है वहाँ पर हल्का सा छेद हो रखा है और वो बाहर से वो सांप आए और उस छेद के जरिए इस बेड के अंदर आकर अपना ठिकाना बना लिया। यहाँ पर वो महिला हैं जिनके घर में सांप निकला था, उनसे जानकारी लेते हैं कि कब उन्हें सूचना मिली और क्या कुछ उन्होंने किया था। मैम, कब आपको सूचना मिली? जी 4-5 बजे की बात है। जो कभी कपड़े रख रहे थे, मैं नहा रही थी ऊपर, तो इनके पापा ने कपड़े रखे तो एकदम सांप ने ऐसे ऊपर ऐसे मुँह करा तो फिर उन्होंने क्या करा, बेड को ढक दिया और फिर उनको बुलाया। फिर साइड में से सोचा एक ही सांप है तो फिर देखा तो दूसरा भी, तो इतने बड़े बड़े दो, पर दो निकाले। अब वो बोले सांप वाले तो बहुत ख़तरनाक सांप है, आप पूरे पीछे हट जाओ। तो फिर वो जैसे एकदम मारने लग गए तो वो निकल के भग गया यहाँ से। तो फिर उसको उस कट्टे में डाला, फिर दूसरा फिर मिला इसमें, वो दूसरा भी मारा फिर ही कट्टे में डाला, तो तब ऐसी चीज़ निकाले। पता ही नहीं था हमें अगर इसमें सांप है, हमें पता ही नहीं था बिल्कुल भी इसमें सांप है, बिल्कुल भी महसूस नहीं था। आराम से खा रहे थे, इसी ऊपर बैठे पी रहे थे, सो रहे थे, कोई टेंशन नहीं है। मतलब सांप का ऐसे भी जैसे वो सुराख है वहाँ पे, मतलब बाहर जैसे निकल के बेड पे भी आ सकता था, पर हमें ये पता नहीं था। वो तो कल हमने देखा तो अचंभे में पड़ गए। महिला ने बताया कि किस तरह से उन्हें सांप के बारे में पता चला। जैसे ही उन्हें पता चला तो उन्होंने बेड का ढक्कन दोबारा से बंद कर दिया और उसके बाद बच्चों को मकान से बाहर निकाला ताकि कोई किसी तरह की घटना ना हो। और उस वक्त उन्होंने अनिल गंडास, जो कि हमेशा से जंगली जानवरों और इस तरह के जो जीव हैं उनका रेस्क्यू करते हैं, उनको कॉल किया गया और उसके 15 से 20 मिनट के बाद ही अनिल गंडास यहाँ पर पहुँचे और उन दोनों सांपों को रेस्क्यू कर यहाँ से ले गए। अक्सर अनिल गंडास इस तरह से इमरजेंसी कॉल पर तुरंत पहुँचते हैं और वहाँ से किसी भी जंगली जानवर और जीव को रेस्क्यू करते हैं और उनको सुरक्षित स्थान पर पहुँचाते हैं। अनिल गंडास का क्या कहना है वो आपको बताते हैं कि किस तरह की प्रजाति का ये सांप था और किस तरह से उन्होंने रेस्क्यू किया। कल शाम के वक्त एक मित्र हमारे वहाँ सूरत नगर में रहते हैं, उन्होंने फ़ोन किया कि भाई हमारे पड़ोस में ही घर में सांप देखा है, बेड में घुसा है, वो बेड बाहर से आया सांप और बेड में अंदर घुस गया। तो मैं एक घंटे बाद यहाँ से फारिग होकर जैसे ही पहुँचा तो वहाँ बेड के अंदर वो रोज़मर्रा के कपड़े उपड़े, बच्चों के रजाइयाँ उजाइयाँ, कम्बल वगैरह रखे थे। तो मैंने धीरे धीरे उनको निकालना शुरू किया तो मैंने जब देखा कि एक कम्बल के नीचे एक सांप बैठा हुआ है तो उसको निकालने का प्रयास किया, तभी दूसरा सांप निकल कर भगा। तो मेरे को लगा कि भाई यहाँ एक नहीं दो सांप हैं और दोनों ही कॉमन करेट सांप थे जो कि बहुत ही जहरीले सांप होते हैं। तो उन्होंने, मैंने देखा कि बेड के नीचे छेद किया हुआ था चूहों ने और चूहों के पीछे पीछा करते हुए दोनों कॉमन करेट सांप उसके अंदर घुस गए होंगे। तो इस प्रकार उन दोनों सांपों को बारी बारी करके हमने रेस्क्यू किया, लेकिन वो घर वालों को शायद पता ही नहीं था कि कितने खतरनाक और जहरीले सांप हैं और ये बहुत ज़्यादा ही मतलब टॉप 4 में आते हैं हमारे भारत में ये जहर के मामले में और बाइट करने के मामले में। तो परिवार इतना पढ़ा लिखा नहीं था, छोटा ही घर था, उनको शायद पता नहीं था कि ये कितना बड़ा दुर्घटना हो सकती थी या कितना बड़ा घर में नुकसान हो सकता था क्योंकि वे जहरीले सांप थे। इन जो कॉमन क्रैथ होता है इनकी लंबाई मायने नहीं रखती, 2-3 फिट से ज़्यादा ये बढ़ता भी नहीं है, कोई रियर चांस है कि 4 फिट तक चले जाता है। उसका आकार वजह नहीं होता, उसका जहर और जो डसने की क्षमता होती है वो वजह होता है बहुत बड़ी, क्योंकि ये रात को घरों में घुसता है और बेड पर चढ़ जाता है और बेड पर जैसे ही कम्बल उम्बल ओढ़े रहते हैं रात को परिवार वाले तो उनके साइड में गर्मी पाने के लिए उनके साथ ही लेट जाता है। और जब व्यक्ति नींद में करवटें बदलता है या
जैसे ही कोई हाथ पैर हिलाता है तो ये अपने आप को समझता है, खतरा मान लेता है और आदमी को डस लेता है। डसने के बाद इसमें मरीज को पता ही नहीं लगता कि आपको सांप ने काटा है, कुछ ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही दर्द होता है जैसे मच्छर ने काट लिया, वो हाथ मसल कर उसको सो जाएगा और सोते सोते ये आदमी मर जाता है। क्योंकि होमोटैक्सिक जहर होता है, आधे घंटे अंदर अंदर आपके शरीर से रक्त स्राव शुरू हो जाएगा, जहाँ से भी आँखें नाक मुंह जो भी हिस्सा होगा उससे खून बहना शुरू हो जाएगा, अंदर से गलना शुरू हो जाएगा और एक घंटे के अंदर मरीज मर सकता है अगर उचित देखभाल या दवाइयाँ नहीं हुई तो उसकी। सर, आपने एक जगह से एक ही कॉमन कैरेक्टर जी दो दो कॉमन कैरेक्टर, कितना मुश्किल था उनको कंट्रोल करना, उनको रेस्क्यू करना? वो एक तो ये हो गया कि बेड के अंदर थे, जब मैंने दोनों उनको बाहर निकाला जैसे वीडियो में आपने देखा भी है, तो एक उससे मेरे कैचर से छूट कर भगने लग गया बाहर की तरफ, तो वो दूसरा किसी घर में ना, मैंने उस पहले वाले को वापस बेड में ही डाल दिया, क्योंकि वो है कि दो दो को एकदम आप फोकस नहीं कर सकते, तो दोनों जहरीले हैं, अपने आप को ही बचाना होता है, तो बस वो एक को बेड में डालने के बाद वो बेड से निकल नहीं पाया और मैंने दूसरे को पहले किया और फिर बारी बारी करके उनको अपने बैग में डाला और दोनों को सुरक्षित उनको पकड़ा, क्योंकि इतने खतरनाक सांप के साथ आपको अपने आप को ही बचाना होता है, आसपास जो लोग भीड़ इकट्ठी हो जाती है उनमें कहीं कोई दिक्कत ना हो, तो विशेष ध्यान रखना पड़ता है इस चीज़ का। हमारे घरों में अनुमान क्या होता है, बारिश के टाइम में हम फालतू की चीज़ें रखी होती हैं, जो भी घर के अंदर फालतू का सामान है, बेड वेड है, प्रॉपर नीचे सफाई होनी चाहिए, गंदगी ना हो, खाना वाना कोई बेड पर बच्चे खेलते हैं तो खाना वाना बेड के नीचे गिर जाता है और हमारे ध्यान नहीं रहता कि भाई खाना नीचे पड़े, उसके चक्कर में चूहे कॉकरोच छिपकलियाँ वगैरह बाहर से बहुत आकर्षित हो जाती हैं और जहाँ चूहे छिपकलियाँ होंगी सांप भी उनको खाने की तलाश में, अपने भोजन की तलाश में और गर्मी की तलाश में घरों के अंदर घुसता है, क्योंकि आजकल हर जगह निर्माण कार्य चला हुआ है, सेक्टर बन गए हैं, तो सांपों का जो रास्ता था वो सारा अवरुद्ध हो गया है, घरों की तरफ ही ज़्यादा रुख हो रहा है इनका, और जहाँ पर सांप रहते थे वहाँ आदमी पहुँच गए हैं, स्नेक वगैरह जंगली जानवर कहाँ जाएंगे, तो टकराव बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो बारिश के दो तीन महीनों में बड़ी सावधानी रखने की ज़रूरत है, एक तो ज़मीन पर ना सोएं, चार पाई पे सोएं और प्रॉपर कपड़ों को झाड़ें, अपने जो बिस्तर है और ओढ़ने वाले कपड़े उनको भी झाड़ कर हम इस्तेमाल करें और बेड वेड को हफ्ते 10 दिन में खोल कर चेक करता रहना चाहिए, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए इन दिनों में, खास तौर पे सितंबर अक्टूबर तक। जी जी हाँ, जो दो सांप यहाँ पर इस घर में निकले थे बेड के अंदर से, वो कॉमन कैरेट प्रजाति के हैं और भारत में मिलने वाली सांप की प्रजातियों में चौथे नंबर पर सबसे जहरीले सांप वो हैं। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि घर के अंदर जिसके अंदर छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, बेड के ऊपर सोते हैं, बेड के ऊपर खाते पीते हैं, खेलते कूदते हैं, उसके अंदर अगर दो दो जहरीले सांप बैठे हों तो कितना खतरनाक साबित हो सकता है वो बच्चों के लिए और क्या परिणाम उसके हो सकते हैं अगर वो सांप उन बच्चों को काट ले तो। आपकी हमारी खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। नमस्कार।